சும்மா இல்ல இது பத்தி இது பத்தி பதில் கொடு யூடியூப்ல என்னடா சட்டிங்க யூடியூப்ல மேல குஜி எல்லாம் பாய் நிக்குது நான் இப்போ கொஞ்சம் டைம் ஆலல ஹான் दुसरा சம்மன் சட்டி மாத்திர கோர்கோடி करण्याचा प्रयत्न करतील पहिल्या चढीला सामोरा जात असताना अली स्पोर्ट्सचा संघ सात काढूंचा दमदार डिफेंस आहे अजिंक्य स्पोर्ट्स संघाच्या प्रांगणामध्ये दोन नंबरचे दर्शक परिधान केलेला काढू यावेळी चढाई मार्गावर सजवतो आहे परंतु उजव्या कोपऱ्याकडे वेगाने प्रवास करत असताना टच पॉइंट मिळालाय का परंतु नाही आहे यावेळी पुन्हा एकदा बोनस पॉइंट करण्याचा प्रयत्न असेल निदान रेषा तर त्याने क्रॉस केली त्यानंतर बोनस पॉइंट देखील घेतला आणि अली स्पोर्ट्स संघाचं खातं देखील ओपन केलेलं आहे एकूण मिळाला त्यानंतर मात्र अजिंक्य स्पोर्ट्स संघाकडनं चढाई मार्ग वरती सज्ज होताना देखील आपल्याला पाहायला भेटतो गुणवान खेळाडू एक अष्टपैलू खेळाडू ज्याच्याकडे प्रतिभा आहे ज्याच्याकडे गुणवत्ता आहे असा एक नंबरची दर्शी परिधान केलेला अजिंक्य स्पोर्ट्स संघाचा हा आहे तुरुप कायका सात काढूंच्या डिफेन्स मध्ये आणि स्पोर्ट्स या संघाच्या प्रांगणामध्ये फिलहाल इस समय देखा जाए तो पहली रेड होगी इस समय ऑफिसर टाइम है एम्पायर की तरफ से कहीं ना कहीं ऑफिसर टाइम आउट किया था और उसके बाद अब रेड करने के लिए अनिल स्पोर्ट्स दो नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी लगातार ये उनके दूसरी रेड है पहले रेड में एक उन्होंने बोनस पॉइंट प्राप्त किया था क्या यहाँ पर दूसरे रेड में फिर एक मरतबा बोनस पॉइंट मिलेगा या टच पॉइंट मिलेगा लेकिन लेफ्ट कॉर्नर का जो डिफेंडर था पूरी तरह से सतर्क था जैसे कि नजर हटी दुर्घटना घटे शानदार एंकल होल हुआ था और उसी वक्त सपोर्ट भी मिला था अजिंक्य स्पोर्ट्स के बाकी के डिफेंडर्स के द्वारा तो पॉइंट मिलता हुआ और दो नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी को जाना पड़ेगा बैकलाइन के बाहर और उसी वक्त फिर एक मरतबा एक नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी जो की इस समय अजिंक्य स्पोर्ट्स की तरफ से रेड करने के लिए तैयार होंगे छह खिलाड़ियों का डिफेंस लेकिन इस समय शानदार डिफेंस होता हुआ दैट्स अ मैग्निफिसेंट कमबैक और जो खिलाड़ी बैकलाइन के बाहर बैठा था उसे तुरंत ही रिवाइवल कर दिया है ये कहीं ना कहीं जो कामयाबी मिली है ये काफी हद तक जरूरी थी इस समय जो अनिल स्पोर्ट्स की टीम है उसके लिए और इस समय देखिए 44 यानी कि 44 नंबर के जर्सी पर में खिलाड़ी रेड करने के लिए तैयार थे पैर जरूर फिसला था अगर कबड्डी के कोर्ट पर पैर फिसलता है तो चलेगा निजी जिंदगी पर अगर पैर फिसलेगा तो कहीं ना कहीं महंगा साबित हो सकता है और भारी भक्कम खिलाड़ी जिसके अंदर ताकत है जिस खिलाड़ी के अंदर प्रतिभा है उस प्रतिभा के अनुसार आप खेलने की आवश्यकता होगी अजिंक्य स्पोर्ट्स का यह बेहतरीन खिलाड़ी है इस बंदे के अंदर वो क्षमता है इस बंदे के अंदर वो गुणवत्ता हमने लगातार देखी है फिलहाल यहाँ पर देखिए दो नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी ताकत भले ही हमारे अंदर कम हो लेकिन स्किल है टैलेंट है और इस टैलेंट के बलबूते पर कहीं ना कहीं अनिल स्पोर्ट्स की जो हमारी टीम है उस टीम को इस मुकाबले में हम जरूर जीत दिलाने का प्रयास करेंगे ये सोच इस खिलाड़ी के अंदर है सोच अक्सर पॉजिटिव होनी चाहिए सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं कश्ती या बदलने की आवश्यकता नहीं यहाँ पर देखिए दिशाओं को बदलो जीत के किनारे बदल जाते हैं फिर एक मरतबा शानदार कॉम्बिनेशन टैकल जी हाँ दोस्तों ये अनिल स्पोर्ट्स की टीम है इस टूर्नामेंट की जीत के प्रबल दावेदार अजिंक्य स्पोर्ट्स की जो टीम है उसी टीम के ऊपर पहले हाफ के शुरुआत के कुछ मिनट पर पूरी तरह से हावी होती हुई राइट कॉर्नर के डिफेंडर्स क्या यहाँ पर गलती कर चुके हैं ऐसा एब्सोल्युटली सोलो टैकल करने का प्रयास था थोड़ा सा विक टैकल देखने को मिला और उसी वक्त पॉइंट मिलता हुआ अनिल स्पोर्ट्स की टीम को जिस टीम के जो ऑनर है सन्मान्य गणित्य अग्रेसव आज कहीं ना कहीं खुश होंगे इस समय 77 यानी कि 77 नंबर के जर्सी पर में खिलाड़ी रेड मार्क पर तैयार होंगे सात खिलाड़ियों का डिफेंस है बोनस लाइन पूरी तरह से ऑन हो सकती है जब सात या छह खिलाड़ी दोस्तों डिफेंस करने के लिए तैयार होते हैं तब रेडर के लिए बोनस लाइन ऑन होती है फिलहाल ये सुपर टैकल की गुड अपॉर्चुनिटी जब तीन या तीन में से कम खिलाड़ी डिफेंस करते हैं और ऐसे मोमेंट पर अगर रेडर आउट होते हैं तो उसे सुपर टैकल कहा जाता है दोस्तों प्रो कबड्डी के जरिए हमने ये कबड्डी का जो खेल है काफी गतिमान होते हुए देखा है क्या यहाँ पर दो नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी राहुल बोंगे यानी कि राहुल क्या कमाल करने वाले इस रेड में बिल्कुल नहीं एम्प्टी रेड देखने को मिली अपने कोर्ट में चले गए लेकिन क्या दो खिलाड़ियों को जाना पड़ेगा बैकलाइन के बाहर अजिंक्य स्पोर्ट्स की टीम का यहाँ पर कमबैक होता हुआ ये कमबैक जरूरी है टिमकर साहब के लिए
अजिंक्य स्पोर्ट्स के जो ऑनर है एकनाथ जी टेंकर साहब सालों से ट्रेवल करते आ रहे हैं लाडगर प्रीमियर लीग में, अक्सर उनकी जो खुद की टीम होती है और आज इस टीपीएल में भी उनकी टीम देखने को मिलती हुई। फिलहाल 777 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस समय रेड करने के लिए तैयार है। पांच खिलाड़ी डिफेंस कर रहे हैं, सामने पांच शिकार है, एक शिकारी, क्या शिकारी शिकार कर पाएगा या शिकारी खुद यहाँ पर शिकार बन जाएगा, ये सवाल जो हमारे दिमाग में है उसका जवाब ढूंढने का प्रयास। लेकिन हम पीरियड होते हुए और अब पलटवार करेंगे फिर एक मरतबा राहुल, क्या राहुल यहाँ पर लॉबी का इस्तेमाल करेंगे? निजी जिंदगी में लॉबी क्रॉस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह कबड्डी का मंच है, यहाँ पर बिना किसी खिलाड़ियों को छुए बिना अगर लाइन का इस्तेमाल करोगे, लॉबी का इस्तेमाल करोगे तो शायद बैकलाइन के बाहर जाना पड़ेगा। ये ताकतवर खिलाड़ी ये अजिंक्य स्पोर्ट्स का तुरुक्का का दो खिलाड़ियों को टच किया और अजिंक्य स्पोर्ट्स के टीम के अंदर मानो खुशी की लहर है। ये विक्रांत है और लोकल बॉयज है, काफी सपोर्ट मिल सकता है विक्रांत को। क्या विक्रांत कामयाबी हासिल कर पाएंगे? क्या विक्रांत को टच पैड मिलने वाला है? मंदार पाड़ा में विक्रांत के बीच में यह काफी शानदार संघर्ष देखने को मिल सकता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। टिक टिक बज रही थी, विक्रांत ने पूरी तरह से 30 सेकंड का समय इस्तेमाल किया। इसी वक्त हनुमान जी का नाम आया और उन्होंने समुन्द्र को पार किया था, तो कहीं ना कहीं जो डूबने वाली नैया है उसको अगर इस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों विक्रांत जाधव, इससे बचना पड़ेगा। ताकत के साथ टैलेंट है, पता नहीं कौन से चक्के काटा खाता है। भाई साहब छोड़ दो, ये इतना भारी भक्कम खिलाड़ी आज से नहीं रोका जा सकता। और विक्रांत का जवाब अब विक्रांत देने वाले हैं, मंदार देने वाले हैं। मंदार तैयार है, विक्रांत के खिलाफ क्या रणनीति होगी? मंदार अकेला खिलाड़ी सेना के समान क्या हो सकता है? इस समय देखा जाए तो 7 खिलाड़ी उनका दमदार डिफेंस है, क्या यहाँ पर पॉइंट मिलने वाला है? लेकिन मंदार बनाम विक्रांत, यकीनन दोस्तों मजा आने वाला है, दर्शकों के अंदर खुशी की लहर है। लेकिन इस समय मंदार का मिलन क्रॉस करेंगे और यहाँ पर मिलन क्रॉस होते हुए बड़ा झटका लगेगा। बोनस प्लस 2 यानी कि यह सुपर रेड हो चुकी है। कमोन यहाँ पर अनिश राइडर्स, अनिश स्पोर्ट्स के ये जो खिलाड़ी है मंदार दोस्तों, ये रुकने वाला नहीं है। क्या गजब की रेड यहाँ पर देखने को मिली थी। और अब रेड करेंगे विक्रांत जाधव, विक्रांत है तो मुमकिन है रनिंग किक लगाने का प्रयास। 3 खिलाड़ियों का डिफेंस है, सुपर टैकल का मौका बन सकता था, लेकिन मंदार ने यहाँ पर बड़ी गलती कर दी है। जो मंदार सबसे बड़ा खिलाड़ी था वो जाएगा बैकलाइन के बाहर, यानी में कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। अब 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी क्या 12 बजाने वाले है? इस खिलाड़ी को चलना पड़ेगा। सेंटर की तरफ आक्रमण किया था और एक खिलाड़ी को उन्होंने टच किया, बैकलाइन के बाहर भेजा है। और अब रेड करते हुए अजिंक्य टेंकर यानी कि अजिंक्य स्पोर्ट्स के ऑनर खुद मालिक इस समय रेड करने के लिए तैयार है। उन्हीं के नाम से यह अजिंक्य स्पोर्ट्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट हो चुकी है। एकनाथ जी टेंकर साहब है शायद उनका ये लड़का इस समय रेड करने के लिए। अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट है अजिंक्य स्पोर्ट्स और अनिश स्पोर्ट्स दोनों भी टीमों के लिए। और यहाँ पर फिर एक मरतबा तैयार होते हैं राहुल, 2 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी। समुचे टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। कल्पेश कदम इसका नाम है दोस्तों, लेकिन शेक्सपियर ने भी कहा है नाम में कुछ दम नहीं होता। यहाँ पर कल्पेश के ऊपर जोरदार आक्रमण किया, पूरा का पूरा डिफेंस टूट पड़ा है और कल्पेश को कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये खिलाड़ी कमाल का है, विक्रांत जाधव बंबई से सीधा गांव में आए और गांव में आने के बाद क्या कमाल का खेल खेला है। अब तो शायद रुचि उसे क्रिएट हुई है, रुचि स्पोर्ट्स की टीम तो नहीं है लेकिन रुचि उसे निर्माण हो चुके। लेकिन ये देखिए 2 खिलाड़ियों के बीचों बीच सही सलामत निकल चुके हैं, मिड लाइन क्रॉस करेंगे, अपने कोर्ट में जाएंगे और अब मात्र एकमात्र खिलाड़ी बचा है मृणाल बड़वे, एकमात्र खिलाड़ी शेष है। 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, क्या ये आउट होने वाले हैं? क्या वो अपनी टीम को अलाउट के धोखे से बचाने वाले हैं? और शानदार यहाँ पर टू टच लिया, एक पॉइंट का इजाफा हुआ और अजिंक्य स्पोर्ट्स का गेम एकीकडे आहे, अजिंक्य स्पोर्ट्स तो दुसरीकडे आपण पाहू शकतो अनिल स्पोर्ट्स। यावेळेला पुन्हा एकदा विक्रांत जाधव चढाईसाठी सज्ज होत असताना
ज्याच्याकडे आहे प्रचंड ताकद, ज्याच्याकडे आहे गुणवत्ता आणि क्षमता, या क्षमतेचा गुणवत्तेचा विद्वत्तेचा इथे वापर करावा लागेल तो विक्रांतच्या आटोप्याला पुन्हा एकदा ब्रह्मचारींच्या मधोमध सही सलामत सटलेला आहे विक्रांत जाधव। मुंबईमध्ये राहणारा हा खेळाडू गावामध्ये आला आणि तद नंतर मात्र त्याच्या खेळाची झलक आज हजारो क्रीडा रसिकांना देखील पाहायला भेटते। आज खऱ्या अर्थाने विक्रांत जाधवनी मंत्रमुग्ध केलंय। विक्रांतचा खेळ अजिंक्य स्पोर्ट्स संघासाठी फार महत्वाचा राहिलेला आहे। या स्पर्धेचा विजेते पदाचा प्रबळ दावेदार आहे अजिंक्य स्पोर्ट्स। तर त्यातलं मात्र सूर्य टॅकल केलंय कॉम्बिनेशन टॅकल मंदार पाडावेसाठी तो बल 100 रुपयाचं कॅश प्राइज आलंय। महेश पाडावे यांच्याकडून मंदार पाडावे विक्रांत जाधव देखील लोकल बॉईज आहे, परंतु जर आपण पाहिलं तर शिक्षणासाठी ते मुंबईमध्ये असतात, त्यानंतर मात्र या टीपीएल मध्ये खेळण्यासाठी दाखल झाले। अजिंक्य स्पोर्ट्स संघाचे जे मालक आहेत ते स्वतः चढाई मार्गावरती सज्ज होत आहेत। अजिंक्य टेमकर चढाई मार्गावरती सज्ज होतोय। संघर्ष करावा लागेल दोन्ही संघांना या मॅच मध्ये विजय मिळवण्यासाठी। अजिंक्य स्पोर्ट्सचा संघ जर आपण पाहिलं तर पहिल्या सत्रामध्ये 3 गुणांची आघाडी मिळवली, त्यानंतर मात्र दुसऱ्या सत्राला सुरुवात झालेली आहे आणि पहिली चढाई अजिंक्य टेमकर करताना देखील पाहायला भेटतात। तर त्याच वेळेला प्रतीक मुलुक आपल्याला पाहायला भेटतोय। 44 नंबरचे दक्ष परिधान केलेला खेळाडू आहे आणि स्पोर्ट्स या संघाकडून तो खेळताना देखील आपल्याला पाहायला भेटतोय। कालच्या दिवसामध्ये देखील अतिशय बहारदार खेळ या खेळाडूकडनं आपल्याला पाहायला मिळाला, परंतु आजच्या दिवसामध्ये या मॅच मध्ये फार महत्वाची कामगिरी दोन्ही संघाला करावी लागेल। परंतु पुन्हा एकदा विक्रांत जाधव आलाय, लोकल बॉईज आहेत, सपोर्ट मात्र खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विक्रांत जाधवच्या पाठीमागे देखील पाल भेटतोय। शिक्षणासाठी मुंबईमध्ये स्थायिक झाले, त्यानंतर मात्र या टीपीएल मध्ये खेळण्यासाठी ते लाडगर मध्ये आले आणि या मॅच मध्ये काय त्यांनी झंझावात निर्माण केलाय। पहिल्या सत्रामध्ये वर्चस्व त्याने देखील प्रस्थापित केलेलं होतं, मंदारच्या विरोधात खेळत असताना खूप चांगली कामगिरी त्याने देखील पार पाडली आणि आपल्या संघाला पहिल्या सत्रामध्ये 3 गुणाचे का होईना नाम मात्र आघाडी मिळवून देण्यामुळे विक्रांत जाधव यशस्वी ठरले आणि तदनंतर आता चढाई मार्गावरती सज्ज झालेले आहे। आपण बघतोय यावेळेला कल्पेश आहे, कल्पेश कदम चढाई मार्गावरती सज्ज होत आहे, परंतु कल्पेशला इथे गुणाची कमाई करण्यात यश मिळालं, बोनस पॉईंट देखील मिळाला, त्यावेळेला टच पॉईंट घेता येतो, बोनस पॉईंट घेणं गरजेचं असतं आणि आता थर्ड रेड असेल, 2 or 2 red। 777 नंबरचे दर्शी परिधान केलेला आहे युवा काढू, सडपातळ बांधाचा काढू, ताकद नाहीये परंतु त्याच्याकडे प्रगल्भता आहे, त्याच्याकडे गुणवत्ता आणि स्किल देखील आहे। थर्ड रेडरवरती गुणाची कमाई करावी लागते चढाई पट्टूला, अन्यथा रेडर बॅकलाइनच्या पाठीमागे जाईल। डिफेंडर्स वेगाने आले, डॅश केलं, रोहित होता त्या ठिकाणी, त्याने मात्र अप्रतिम खेळाचं प्रात्यक्षिक सादर केलं आणि आपल्या संघाला एक गुण देखील मिळवून दिला, परंतु चांगलं कमबॅक आहे आणि स्पोर्ट्स संघाचं। अजिंक्य स्पोर्ट्स संघाच्या विरोधात खेळत असताना आणि स्पोर्ट्स संघ पुन्हा एकदा चढाई मार्गावरती सज्ज होत असताना कल्पेश कदम 2 नंबरचे दर्शी परिधान केलेला युवा खेळाडू आपल्याला पाहायला भेटतोय। या टीपीएल मध्ये अनेक असे खेळाडू आहेत त्याचबरोबर अजिंक्य स्पोर्ट्स संघाकडे देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर सपोर्ट देखील आपल्याला पाहायला भेटतोय। एकनाथजी टेमकर साहेबांच्या मालकीचा अजिंक्य स्पोर्ट्स संघ आज खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचा चाहता वर्ग देखील या स्पर्धेच्या निमित्ताने दाखल देखील झालेला आहे। तर अनिल स्पोर्ट्सचा जर विचार केला, गणेशजी आदरी साहेब आहेत, त्यांच्या मालकीचा हा संघ आहे, या संघाच्या पाठीमागे देखील खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सपोर्टर देखील पाहायला भेटत आहेत। पहिला वर्ग देखील खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या स्पर्धेचा आस्वाद घेताना क्रीडा रसिकांच्या माध्यमातून देखील पाहायला भेटत आहेत। तर आपण बघितलं तर अजिंक्य टेपकर कटेवरती आत आहेत आणि या स्पर्धेमध्ये ते देखील खूप चांगली कामगिरी पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत। मंदार पाडावे ज्याला आपण बघितलं, महेश पाडावे यांच्याकडून तब्बल 100 रुपयाचं कॅश प्राइज देखील आलेला आहे। असा मंदार पाडावे ज्याला त्याच्या खेळाचा दर्जा सुधारावा लागेल या मॅच मध्ये। दुसऱ्या सत्रामध्ये जर आपण बघितलं आणि स्पोर्ट्स संघाला कमबॅक करायचा असेल, पहिल्या सत्रामध्ये 3 गुणांनी तो पिछाडीवरती होता, परंतु दुसऱ्या सत्रामध्ये यशस्वी कमबॅक करण्यासाठी मंदार पाडाव्याच्या खेळामध्ये सुधारणा होणं गरजेचं आहे। तर त्याच वेळेला 1 नंबरचे दर्शी परिधान केलेला पुन्हा एकदा अजिंक्य टेमकर चढाई मार्गावरती सज्ज होत असताना डाव्या कोपऱ्यामध्ये नेहमीप्रमाणे तो चढीला सुरुवात करतोय। 7 खेळाडू डिफेन्स मार्गवरती असतील आणि त्याच वेळेला बोनस लाईन देखील ऑन असेल।
परंतु इथे बोनस पॉइंट घेण्याचा प्रयत्न होईल का, टच पॉइंट घेतली जाईल का, हे देखील बघणं गरजेचं असेल. अजिंक्य टेमकर याच्या माध्यमातून, परंतु मध्यरेषेच्या आसपास येऊन कुठेतरी घुटमळल्याचा प्रयत्न देखील झाला आणि लास्ट मोमेंटला मात्र हा चाडू आपल्या कोर्टमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. तर त्याच वेळेला बडगे पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. चढाई मार्क वरती सात खेळाडू डिफेन्स करत असताना यावेळेला जर पाहिलं तर डाव्या कोपऱ्यात पुन्हा एकदा उजव्या कोपऱ्यामध्ये चढाईचा हा जो प्रवास आहे यशस्वी असेल का, तर त्याच वेळेला अजिंक्य स्पोर्ट्स संघाच्या प्रांगणामध्ये एका गुणाची टेमकर साहेबांना किसकूस असतील. पद्धतीने खेळ सुरू आहे अजिंक्य स्पोर्ट्स संघाचा. सातशे 777 नंबरची दर्शी परिधान केलेला खेळाडू चढाई मार्ग वरती सज्ज असेल, परंतु त्याला याची देखील जाणीव असणं गरजेचं आहे की ही थर्ड रेड आहे, डुअर डाय रेड आहे, म्हणजे या चढाईवरती कोणत्याही परिस्थितीमध्ये गुणाची कमाई करणं गरजेचं आहे. आणि तो देखील टच पॉइंट घ्यावा लागेल कारण बोनस लाईन ऑफ असेल. पुरेपूर 30 सेकंदाचा वेळ तो घेईल का, सुरू झाले आणि हा खेळाडू सेफ आउट होईल. सेल्फ आउट झालेला आहे. सुरुवातीचे सेकंद तो थोडासा डिफेन्सिव्ह केला आणि त्यानंतर मात्र मंदार आलाय. मंदारसाठी या मॅच मध्ये जर पाहिलं महेश पाडावे यांच्याकडून ऑलरेडी 100 रुपयाचं कॅश प्राइज देखील आलेला आहे, परंतु यावेळेला या चढाईमध्ये शेवटचे 5 मिनिट शिल्लक असताना मंदार पाडावेकडनं कम बॅक होईल का? मंदार कडनं खूप मोठी अपेक्षा आहे. अठरा 16 म्हणजे 2 गुणांची आघाडी आहे अजिंक्य स्पोर्ट्स संघाकडे, 2 गुणांनी पिछाडीवरती. आणि स्पोर्ट्सचा संघ कोणत्याही क्षणी पलटवार करू शकतो. जर एक सुपर रेड झाली या संघाकडनं तर मला वाटतं हा संघ पुन्हा एकदा बरोबरीमध्ये येऊ शकतो, परंतु त्याच्यासाठी मंदारला जोखीम पत्करावी लागेल, रिस्क तर घ्यावी लागेल. आयुष्यामध्ये जर इश्क करत बसलात तर बॅकफुट वरती जाल, जर रिस्क घेत राहिलात तर मला वाटतं फ्रंट फुट वर येऊ शकता. आणि बऱ्याच वेळानंतर रोहित चढाई मार्ग वरती सज्ज होतोय. 9 नंबरची दर्शी परिधान केलेला गुणवान खेळाडू छोटा तीरवार करे गंभीर, जिया नाम है रोहित. रोहित को चलना पड़ेगा. आखिरी 5 मिनट का जब खेल शेष था तो 2 पॉइंट की लीड थी अजिंक्य स्पोर्ट्स के पास, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आखिरी 4 मिनट में क्या कमबैक होने वाला है. अगर कमबैक होना चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. सब्र का फल और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन अगर अनिश स्पोर्ट्स और जीत के बीच में कोई दीवार बनकर अगर खिलाड़ी खड़ा है तो उस खिलाड़ी का नाम है विक्रांत जाधव. इस विक्रांत को कहीं ना कहीं टैकल करने की आवश्यकता है. बचे हुए 4 मिनट के खेल में अगर विक्रांत जाधव को बैकलाइन के बाहर भेजेंगे तो मुझे लगता है अनिश स्पोर्ट्स की ये जो टीम है शायद मुकाबले में कम बैक कर सकती है. और उसी वक्त देखा जाए तो विनती है जो लाइट से पोल है जोर देऊ नका, लाइट से जो पोल है जोर देऊ नका, विजेचा करंट देखील लागू शकतो त्या ठिकाणी, खूप मोठा धोका देखील आहे. आपल्याला विनंती असेल सर. आखिर 3 मिनट का खेल शेष है और यहाँ पर थर्ड रेड होगी, यानी कि डुअर डायरेड. हर हाल में चाहिए पॉइंट. अगर यहाँ पर थर्ड रेड पर पॉइंट नहीं मिलेगा तो वापस लौटना पड़ेगा बैकलाइन के बाहर. करो या मरो रेड होगी. बोनस लाइन इस समय वहां पर 5 खिलाड़ियों का डिफेंस है. टच पॉइंट लेने की आवश्यकता. टिक टिक बच रही है और राइट कॉर्नर के ऊपर डिफेंडर पड़ गया था. बाद में पूरा डिफेंस टूट पड़ा था और अनिश स्पोर्ट्स के खाते में 1 पॉइंट का इजाफा होता हुआ चलते पॉइंट टेबल की तरफ. वहां पर फिर एक मरतबा पता चलेगा. 19-17 यानी कि 2 पॉइंट का फासला, 1 पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि 19-18 का फासला है. महज 1 पॉइंट की लीड है अभी भी अजिंक्य स्पोर्ट्स के पास. अगर एक सुपर हो जाएगा अनिश स्पोर्ट्स के द्वारा तो उसकी टीम लीड पर आ जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विक्रांत जाधव को रोकना पड़ेगा. यहाँ पर विक्रांत को रोकना इतना आसान नहीं. 2 मिनट का खेल शेष है, यानी कि 120 सेकंड अभी भी बाकी है. एक जो रेड होती है वो 30 सेकंड की होती है. फिलहाल यहाँ पर 1 पॉइंट का फासला दोनों भी टीम के बीच में. साहिल है और साहिल इस समय रेड का जिम्मा संभालते हुए राइट कॉर्नर की तरफ वहां पर काफी बेहतरीन
तरफ से पहले से ही डिफेंडर्स ने आकर रेडर का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक किया था और फिर एक मर्तबा पॉइंट मिलता हुआ जिनके स्टेज के टीम को उस एक पॉइंट के साथ फासला फिर एक मर्तबा दो पॉइंट का हो चुका है। हार मानने की आवश्यकता नहीं है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आने स्पोर्ट्स की टीम को यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। नन्ही चिंकी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, आखिर उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। क्या यहाँ पर वापसी होने वाली है? इस समय देखा जाए तो खिलाड़ी तैयार है, वेगर तैयार है। क्या बोनस का इजाफा होने वाला है? बिल्कुल नहीं, आखिरी आप दो डायरेक्ट है। यहाँ पर अजिंक्य को पॉइंट चाहिए, लेकिन उसी वक्त अनिश स्पोर्ट्स की जो टीम है उसको गलती करने की आवश्यकता नहीं। आपकी एक गलती आपको बैकफुट पर लेकर जा सकती है। क्या यहाँ पर क्या नतीजा निकलेगा? एक पॉइंट तो जरूर मिला। और आप यहाँ पर देखिए 12 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, इसमें फासला केवल एक पॉइंट का है, यानी कि एक पॉइंट की लीड अजिंक्य स्पोर्ट्स के पास होगी। अगर यहाँ पर पॉइंट मिलेगा तो शायद दोनों भी टीम बराबरी पर आ जाएगी। अनिश स्पोर्ट्स की टीम को चाहिए पॉइंट और ये बोनस पॉइंट मिला है, दोनों भी टीमें बराबरी पर है। क्या ये टूर्नामेंट का पहला मुकाबला जो बराबरी पर छोड़ सकता है? विक्रांत जाधव क्या पॉइंट का प्रयास करेंगे? लेकिन इस समय देखा जाए तो बोनस पॉइंट कौन है? क्या बोनस का एफर्ट हो सकता है? क्या टच पॉइंट का एफर्ट हो सकता है? अगर यहाँ पर टच नहीं होता तो शायद टूर्नामेंट का ये पहला मुकाबला बराबरी पर छूट सकता था। धन्यवाद, चलते हो ऑर्गेनाइजर मेंबर के पास। अनंत हजारे